तो आज मैं आप लोग को ऐसे लोग के बारे में बताऊंगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर थे। आपको लग रहा है जेफ बेजोस या तो फिर इलॉन मस्क या अंबानी या अभी जो नवे अडानी भाई, नहीं ये सब कुछ भी नहीं उन लोग के सामने। ये ना बहुत टाइम पहले के जमाने के थे जब गोल्ड्स होता था, इतना डॉलर वॉलर पे विश्वास नहीं रखते थे, और ये सब लोग के पास इतना पैसा था कि मतलब पैसे रखने की जगह नहीं होती थी। मतलब दुनिया में अगर एक सिटी में भी रख दो ना उतना पैसा तो भी लोगों को बोलेगा सिटी कम पड़ रही है। तो ये मैं आप लोग को बताऊंगा कौन कौन ऐसे लोग थे और कैसे उन लोगों के पास इतना पैसा आया, और क्या हमारे इंसान लोग उन लोग को देते थे, कौन देता था उन लोग को पैसा। तो मैं आप लोग को पूरा ए टू जेड उन लोग के बारे में बताऊंगा, एक भी मिनट स्किप नहीं करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं आप लोग को बताऊंगा जेंगिस खान के बारे में। अगर आपको मालूम नहीं जेंगिस खान कौन है तो मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ, क्योंकि 100% लोगों को मालूम ही है। तो जेंगिस खान है ना एक एम्परर था, और वो एक्चुअली था कजाकिस्तान से। कहते थे वो इतना क्रेजी आदमी था, मतलब इतना स्ट्रांग आदमी था कि है ना वो कजाकिस्तान से लेकर जिधर भी चलता था ना उसकी फौज को लेके सबको मार देता था। मतलब एक भी जान गांव में नहीं बचना चाहिए, बच्चा भी नहीं बचना चाहिए, सबको मारते मारते जाता था। और प्लस वापस जितनी भी जगह होती थी उसके कबीले छोड़ देता था। मतलब जैसा अगर मैंने एक जगह को ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया, तो अफगानिस्तान में मैं बोलूँगा जो भी मेरे जो साथी वाले होंगे बोलेंगे चल तो इधर रह जा, फिर आगे बढ़ता। बोले उसने ना इतना लोगों को मार दिया था कि 40% हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की ख़त्म हो गई थी, हमारी वर्ल्ड वापस कूल हो रही थी, बराबर हो रही थी। इतने लोगों को मार दिया था, ऐसा लग रहा था थैनोस है वो। मगर है ना उसने उसने मारा तो सही ठीक है, मगर उसके पास इतना पैसा जमा हो गया था, क्योंकि जितनी भी जगह जाता था ना वो वाकई गोल्ड और पैसा है ना उसके पास ही रखता था, कोई भी उन लोग को नहीं देता था। उसका खाना भी क्या होता था, वो घोड़े को खा जाता था, इंसानों को खा जाता था। उन लोग बोलते थे ब्लैक मैजिक करते थे, कुछ लोग तो ये भी बोलते कि उन लोग के पास वेम्पायर्स थे जो उन लोग की हेल्प करते थे, इसलिए उन लोग है ना आदमी लोग को बोलते खाते थे। एक्चुअली आदमी लोग को तो वेम्पायर ही खाते। और वो टाइम पे मतलब अगर आप आज भी देखेंगे तो ब्रिटिश वाले लोग के पास पुतले हैं जो वेम्पायर्स के, तो उन लोग को कैसा मालूम होगा वेम्पायर थे, जब एक्चुअल में होएगा तो ही मालूम पड़ेगा ना। तो ऐसा बोलते हैं कि जेंगिस खान के पास था वेम्पायर्स थे, या वेम्पायर्स की ताकत थी, या जेंगिस खान ही वेम्पायर थे वो भी नहीं मालूम, मगर वो जाते थे तो पूरे ख़त्म ही करते थे। जब तक उनकी एज नहीं हो गई वो मरे नहीं थे, वो एज हो गए वो थक गए थे तो वो मर गए थे, उनको किसी ने मारा नहीं था। प्लस उनका जो जितना पैसा जमा हुआ था वो शायद लगभग मैं बता भी नहीं सकता इतना पैसा लिखेला इस पे, मतलब पढ़ते पढ़ते मेरे को कल हो जाएगी। इतना पैसा था क्योंकि गोल्ड होता था, वो टाइम पे गोल्ड ही चलता था, ऐसा डॉलर इंडियन रुपीस नहीं चलता था, गोल्ड चलता था, गोल्ड पे सब ट्रेडिंग होती थी। अभी वो है ना जितनी भी जगह जाता था, जैसा इंडिया आ गया तो इंडिया के गोल्ड ले लिया, पाकिस्तान आ गया पाकिस्तान के गोल्ड ले लिया, सऊदी गया सऊदी के गोल्ड ले लिया। तो इतने गोल्ड जमा हो गए थे उसके पास कि मैं क्या बोलूँ, कजाकिस्तान बहुत अमीर हो गया था। लेकिन कजाकिस्तान वाले लोग को समझ नहीं आया कि उन लोग कैसा यूज़ कर रहे हुए वो सब चीज़, वही टाइम पर लोग ने बेच दिए थे, इसलिए आज भी है ना इतना अमीर नहीं है लोग, लोग एकदम नॉर्मलाइज्ड है। अगर लोग रखते ना वो टाइम के गोल्ड से सिर्फ चेंगिस खान के जो जमा किए गए थे, उन लोग आज बहुत ऊपर होते, दुबई से ज़्यादा उन लोग का रुबाब होता है। दुबई तो एक्चुअली गोल्ड है नहीं है, मगर उन लोग ने टूरिज्म कर दिए, लेकिन उन लोग का बहुत ज़्यादा होता, एक्सट्रीम लेवल होता। उन लोग सिर्फ टर्की छोड़ दिए थे, क्योंकि टर्की में अर्तुगरुल गाजी आ गए थे जिनने उनको हटा दिए थे चेंगिस खान और चेंगिस खान के आदमी लोग को। लेकिन चेंगिस खान पूरी दुनिया पे इतनी फास्ट राज किया है जो कोई भी नहीं कर पाया, इसलिए वो इतना अमीर इंसान था और बहुत बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब अल्टीमेट लेवल पैसा, बिलियन तो मतलब कम पड़ेगा उसके लिए बोलने के लिए। सेकेंड है मानसा मूसा, ये कहते थे ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, मतलब जो चेंगिस खान था उससे भी ज़्यादा अमीर था, इससे ज़्यादा अमीर आज तक कोई नहीं बन पाया। ये मानसा मूसा 1324 में था, और कहते थे कि ना ये इसके पास इतना पैसा था। एक्चुअली ये जिधर बॉर्न हुआ था, अभी मालूम नहीं किधर बॉर्न हुआ था, कायरो इजिप्ट किधर बॉर्न हुआ था, कहते थे इतना पैसा इतना गोल्ड था उसके पास कि मतलब वो खुद बोलता था यार ले लो, पब्लिक को बोलता था लो रखो। तो एक दिन है ना इसकी कहानी है कि जब पब्लिक को कैसा मालूम पड़ा कि इसके पास इतना पैसा है, ये निकलता नहीं था इतना बाहर। लेकिन एक दिन है ना ये हज पे जा रहा था मक्का मदीना, तो कहते जैसे ही मक्का जा रहा था, ये वो टाइम पे ऐसा प्लेन या शिप्स नहीं होती थी, तो उन लोग को है ना कैमल्स पे जाना पड़ता था, अलग अलग कबीले बना के वहाँ पर रहना पड़ता था, क्योंकि एक दिन का ट्रैवल नहीं होता था, महीनों निकल जाते थे। तो जैसे ही जा रहा था, कहते कि जितने भी जान थे उसके साथ थे 60,000 पीपल, 60,000 लोग थे, 60,000 लोग सबको गोल्ड दिया उसने, गोल्ड तो दिया ठीक है, लेकिन उन लोग को इतना गोल्ड दिया कि बोला कि है ना रास्ते में फेंकते रहो, तुम लोग चलते चलते फेंकते रहो, और प्लस जितने भी गांव जाएंगे जितने भी जगह हम लोग कबीले बनाएंगे उन लोग सबको गोल्ड मिलना चाहिए। बोलते उन लोग सबको इतना गोल्ड दे दिया था कि आज भी उन लोग दुकानों में गोल्ड बेच रहे उसकी, मुझे मूसा है उसके ही गोल्ड बेच रहे। अल्टीमेट लेवल पैसा था।
पूरा मक्का उसने जैसे ही ट्रैवल कर रहा था उसने किया, उसने हज किया, फिर उसके बाद मदीना आया, मदीने में भी उसने बहुत ज़्यादा गोल्ड लिया। मतलब जितना भी ट्रैवल किया ना उसने ना सिर्फ पैसे बांटा है, फेंका है, पैसे फेंका है, लो तुम लोग रखो, लो लो लो। और कहते जब वो कायरो आ गया था वापस फिर वो साइलेंट हो गया, फिर उसके बाद वो बाहर नहीं निकलता था, उसकी आदत ही नहीं थी बाहर निकलने की मूसा की। और वो लोन देता था मगर लोन एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं लेता था कुछ भी, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन में ऐसा है कि इंटरेस्ट नहीं करने का, इंटरेस्ट का कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में तो पूरी दुनिया इंटरेस्ट पे आ गई है, EMI, ये लोन वो लोन, ये लो वो लो। वो टाइम पे कैसा लोग थे वैसे पैसे वाले, इस टाइम किसी के पास गोल्ड ही नहीं बचा है, गोल्ड सिर्फ कंट्रीज में, कंट्रीज के गोल्ड भी रियल है नहीं है, क्या मालूम मनी हाइस्ट हो गया होगा उन लोगों के साथ। अरे आथोल्पा ये एक्चुअली है ना 1532 का है और ये ब्रूटल वॉर सेशन अमेरिका का है। इसके अंदर कहते थे कि जो भी एम्परर रहते थे वो टाइम पे उन लोगों को है ना जो भी लग्जरी लाइफ चाहती थी तो इनको आके बोलना पड़ता था, क्योंकि यही लग्जरी लाइफ सप्लाई कर सकते थे। तो ये जो पैसा मांगते थे ना लोग, मतलब जो भी एम्परर है वो सब देने रेडी होते थे। तो ये जैसे ही बोलते थे मेरे को $1 बिलियन दे दो, मेरे को $3 बिलियन दे दो, मेरे को 4, बोले इनकी स्टार्टिंग प्राइस रहती थी इनकी स्टार्टिंग $1.5 बिलियन रहती थी, उनकी स्टार्टिंग प्राइस ही $1.5 बिलियन दो तो बात करने मिलेगा उनसे। फिर वो बात करके वो लग्जरी लाइफ सेट करके देते थे, और लग्जरी लाइफ वो टाइम पर सबको चाहिए था, इतना किसी को नॉलेज नहीं होता था, क्योंकि लोग है ना सिर्फ वॉर करते थे, डेजर्ट एरिया में रहते थे, उन लोगों के पास कुछ और करने लायक था ही नहीं। अभी इन लोगों को लग्जरी लाइफ चाहिए थी तो इन लोग इसको ही बोल सकते थे, तो ये लाइफ देता था इन लोग को स्पेन में अलग अलग जगह पर देता था, जो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी, इन लोगों को एकदम फन लगता था। तो ये भी एक एकदम रिचेस्ट मैन में से बोला जाता है, ये तीन जन बहुत ज़्यादा रिच मैन है। अगर आपको कोई मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं उन लोग के ऊपर भी बनाऊंगा स्टोरी नेक्स्ट। पूरी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आपको नेक्स्ट क्या देखना है नीचे सेक्शन में लिखो, कुछ भी मैं बनाऊंगा। मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया था, वो चैनल पर मैं 1-to-1 डिस्कशन करता हूँ लोगों के साथ, गेस्ट के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ। तो अभी मैं बड़े बड़े गेस्ट भी ढूंढ रहा, हो रहा है सेट हो रहा है, स्लो स्लो करके होएगा। एवरीडे एक वीडियो आती है 4-5 बजे के बीच में, या 6 बजे, 4 से 6 के बीच में एक वीडियो आती है। प्लस इधर शॉर्ट्स एवरीडे 3 वीडियो तो आती ही है, और लॉन्ग वीडियो एवरी 3 दिन में एक बार आती है। तो आपको सब डिटेल्स मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरे कम्युनिटी में जाके आप चेक कर सकते हो, मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ, स्टोरीज डालते रहता हूँ यूट्यूब पे। और आप लोग को कुछ भी चाहिए तो मुझे 100% बताओ, मैं 100% बनाने रेडी हूँ। मैं आप लोग को बोला था सुपर चैट्स जितने मिलेंगे उतने मैं गिव अवे करूँगा, अभी तक तो कुछ दिए नहीं, लेकिन अगर आप देंगे सुपर चैट्स तो मैं 100% गिव अवे करूँगा जो भी आपको चाहिए, आईफोन्स, आईपैड, मैकबुक्स, जो भी चाहिए आप लोग को, जो मतलब जैसा, मतलब गिव अवे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई आ गया रख ले के रख लो, नहीं, ये काम होना चाहिए। काम होएगा तो ये रिंग्स दूंगा, मूड रिंग्स, बहुत बहुत चीज़, मूड रिंग्स वाले का फ़ोन भी आया था, उसने बोला मूड रिंग का स्टॉक आ चुका है, मैं सोचता हूँ ऐसा गिव अवे दूँ, या आप लोग खुद खरीद सकते हो। और दूसरे रिंग्स के बारे में भी मेरे पास टॉपिक्स आए, तो ये सब बताऊँगा मैं आप लोग को। नीचे अमेजोन की लिंक दूंगा, अगर आपको रिंग लाइट या कुछ भी बाय करना है वो कर सकते हो। इन्जॉय करो लाइफ, मैं भी इन्जॉय कर रहा हूँ, और देखते स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर भी अभी एक्टिव हो गया हूँ मैं।